Hello friends, good morning. Today we are going to discuss about a new topic, that is टेरेस फार्मिंग. फ्रेंड्स, क्या है कि टेरेस फार्मिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये कि कई लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो उसको छोड़ देते हैं. बट मैं कुछ फ्यू टिप्स बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी और आपको विदाउट एनी सिंगल पैनी आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मैंने बहुत रिसर्च किया है, उसके बाद ही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, क्या है कि आपने ना इस तरह के ऐसे बॉक्सेस बहुत सारे लिए होंगे प्लास्टिक के और उसको यूज़ करा होगा टेरेस फार्मिंग में. लेकिन क्या होता है कि कभी भी जैसे कोई आप प्लांट लगाते हैं, उसकी रूट्स हैं वो यहाँ जाके ऐसे फिर ये यहीं पे ना घूमने लग जाती है इस तरह, तो वो प्रॉपर जो है प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता. हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि प्लांट जो है इतना सा हुआ, फिर उसके बाद में उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही ना, उसमें फ्रूट्स वगैरह लग रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं दो चार आपको टिप्स दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एक टेरेस गार्डन बनाने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि ना ये प्लास्टिक के डब्बे डुब्बे और ये जो चीज़ें होती हैं आपको यूज़ करते हैं ये मत यूज़ करिए. आपने क्या करना है कि आपके यहाँ बहुत सारे पुराने कपड़े होंगे इस तरह के कपड़े, उनके ना बैग्स बना लो, ऐसे बैग्स. ठीक है, उनके नीचे रखने के लिए ना आप कोई ईंट वगैरह ब्रिक रख सकते हैं, ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक से थोड़ा सा सहारा देगी. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ये कपड़े में सहारा नहीं होता तो वो थोड़े दिन दिक्कत करेगा, तो हल्का सा ब्रिक के ऊपर इसको स्टेबलाइज कर लीजिए. अगर प्रैक्टिकली देखना है तो वो मेरी टेरेस फार्मिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखा रखा है कैसे मैंने बैग्स को होल्ड करके ब्रिक्स के ऊपर रखा हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज दैट कपड़े के थैले से क्या फ़ायदा हुआ, एक तो जो रूट्स हैं उनको प्रॉपर एयर मिलेगी, दूसरा ये कि ये ग्रोथ आराम से कर सकते हैं, ये यहीं पे घूमेंगे नहीं आराम से. कई बार क्या होता है कि ग्रोथ के बाहर भी जा सकते हैं, तो एक ये फ़ायदा हुआ उससे. दूसरा क्या है कि पानी जितना इनको चाहिए उतना चाहिए, बाकी फालतू पानी बाहर निकल जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने क्या करना है, कपड़े के गरी बैग्स यूज़ करने हैं, कपड़े के थैले यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा जैसे जो आपका गेहूं वगैरह आता है वो गनी बैग्स, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं. उनको क्या करिए कि आधा आधा काट लीजिए, बड़ी गोली होती है उसको हाफ हाफ काट के उसमें भी आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी बना के और गोल ऐसे रख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या है कि न्यूट्रिशन की बात है. देखिए आजकल क्या है कि जो सॉइल है आपकी मिट्टी उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते, तो आपने क्या करना है कि माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छोटे छोटे डब्बे आते हैं, इतने बड़े बड़े हार्डली 50 रुपीज के होते हैं, तो माइक्रो माइक्रो दोनों ही पूरी मिट्टी पहले एक जगह इकट्ठी करके एक लंप बना देना, ऐसे एक जगह लंप बना के इसमें क्या करना, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देगा. ठीक है, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ऐड कर देंगे, पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. फिर आपने क्या करना है कि एक अगर आपके पास थोड़े गमले हैं, नियर अबाउट मेरे पास जैसे 25 गमले के अराउंड है, तो उसमें आपको 5 kg वर्मी कम्पोस्ट इज इनफ. तो आपने एक बैग मिलता है हार्डली 50 या 60 रुपीज़ या 80 रुपीज़ का 5 kg का बैग्स मिल जाता है वर्मी कम्पोस्ट, तो आपने वो बैग लाना है और इसमें मिक्स कर देना सारी मिट्टी में एक साथ इक्वली. तो अब कुछ लोगों को केंचुओं से डर लगता है तो वो दूसरी भी मिट्टी ले सकते हैं जिसमें कि नीम वगैरह वो सब चीज़ होती है. कई होते हैं कई उनको थोड़ा सा केंचुओं से डर वगैरह लगता है तो वो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना नहीं पसंद करते, तो एक खाद और आती है नीम की खली वगैरह, तो वो भी इजीली मिल जाती है मार्केट में, 50 रुपये का एक छोटा पैकेट मिलता है नीम खली का, तो वो नीम वगैरह वो चीज़ ऐड करते हैं. नीम वगैरह ऐड करने से फ़ायदा ही होगा, एक तो न्यूट्रिशन मिलेगा सॉइल को और दूसरा है कि जो फालतू कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना और आपका दीमक वगैरह वो सब चीज़ें नहीं लगेंगी इसमें मिट्टी में, ये फ़ायदा होगा नीम की खली से. ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सब आपने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिए मिट्टी मिक्सअप करके, और फिर आपने क्या करना है वो जो बैग्स बनाए हैं वो इनमें डाल देना है. अब देखिए कपड़े का बैग क्या होगा, थोड़े टाइम चलता है, मतलब ये कि 3 मंथ्स तक ओके, उसके बाद में क्या होता है वो कपड़ा ख़राब होने लगता है. फिर आपने क्या करना है इसी कपड़े के थोड़े बड़े बैग बना के उसमें वो पूरा भर के अब दोबारा से आपने लगा देना है. उसी जैसे ये बैग है, ये बैग है तो इसी में आपने ऊपर से ऐसे दोबारा से उसी में ही ऐसे डाल के और लगा देना है. और आपको अगर सॉइल से बहुत अच्छे फ्रूट्स वगैरह चाहिए हैं तो आपको कोशिश करिए कि वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करें. जैसे कि मेरे टेरेस फार्मिंग में आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, चिलीज वगैरह वो लगे हुए हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही कि मैंने वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा ऐड करा और एक एक डब्बा ये माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिला दिया है. कई बार कुछ महान ये भी कहते हैं कि क्या बोलते हैं पहले सॉइल चेक कराओ, ये कराओ, फिर उसके बाद में आपको जो है न्यूट्रिशन ऐड करना चाहिए. लेकिन फ्रेंड्स देखो आपके पास में कम है जगह, मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं है, 27 या 28 गमले हैं, उसका आप कहाँ तक तो सॉइल टेस्टिंग वगैरह करेंगे. अगर आप 50 ये ज़्यादा नहीं आते माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 50-50 रुपये का ही डब्बा आता है तो वो लेके मिला दें, 100 रुपये में आपको कोई इतना हर्ज नहीं पड़ता है और आपका जो सॉइल का न्यूट्रिशन है वो 2-3 साल के लिए बढ़ जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, एक तो काम ये कर सकते हैं आप कि प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह ना यूज़ करें क्योंकि उसमें जो है प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है.
रूट्स जो हैं वहीं घूमती रहती हैं। और नेक्स्ट थिंग इज दैट आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जो कि कोकोपीट यूज करना बताते हैं, तो आपको कोकोपीट कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, एक तो जैसे ना इसके बैग्स मिलते हैं 2 किलो 3 किलो 1 किलो का भी मिल जाता है छोटा ना, 5 किलो ऐसे। तो आपका अगर मान लो 25 गमले हैं तो आपको 5 किलो कोकोपीट बहुत है क्योंकि वो फूल जाती है। आपने क्या करना है, एक टब में कोकोपीट सारी डाल देनी है और पानी डाल के उसको रात भर सोख करके रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके लम्ब ऐसे बना बना के वो आपने गमले में डालना है, नीचे का जो पानी रहेगा वो आपने फेंक देना है क्योंकि देखो उसमें ना सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट जो है प्लांट्स को खराब कर देता है। और जो इस तरह के आप पॉट्स यूज करेंगे कपड़े वाले, उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका जो ब्राउनिश कलर है और वो जो सॉल्ट वाटर है वो अपने आप निकलता जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज करोगे तो उसमें फिर पानी निकलना या फिर जो उसका सॉल्ट होता है वो निकलना दिक्कत करता है और उससे हमारे पौधे कई बार खराब हो जाते हैं। कोकोपीट में क्या मिला सकते हैं, कोकोपीट में आप नीम की खली मिला सकते हैं, सूखे हुए पत्ते होते हैं वो मिला सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं। 5 किलो वर्मी कंपोस्ट और आपका 5 किलो कोकोपीट दोनों को मिला दें और उसमें आपको जो है कुछ भी लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे फ्रूट्स वगैरह देगा। बाकी अगर आपको कोई और कुछ इसमें पूछना है, टेरेस फार्मिंग कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एक कमेंट आया था कि जैसे हम लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं रूफ पे, तो गमले रखने की वजह से पानी पूरा सीलन वगैरह नीचे आ जाती है, तो आपने क्या करना है कि लोहे की वो आती है टीन वगैरह आती है तो वो पहले नीचे बिछा दें उसके बाद में ये करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिन घरों में ग्राउटिंग हो रखी है पहले प्रॉपर, तो फिर नहीं आएगी नमी वगैरह। या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आपका छत पे टीन शेड है तो वहां पे ना हैंगिंग फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे हैंगिंग के गमले वगैरह आते हैं, वो आप हैंग कर सकते हैं, उसमें आप कुछ लगा सकते हैं, फूल वगैरह लगा सकते हैं, तेजी करते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपने गनी बैग्स या फिर कपड़े के थैले यूज करने हैं, प्लास्टिक के थैले या प्लास्टिक के डब्बे मत यूज करो क्योंकि उसमें प्लांट जो है अंदर ही रूट्स घूमते रहते हैं ना, उनको एयर मिल पाती है ना प्रॉपर वो चल पाते हैं, तो इसलिए उसके फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते ना, उसमें फ्रूट प्रॉपर लगता है। तो आपने कोशिश यही करना है कि अगर बड़ा गमला है आपका तो उसको आप बड़ी जैसे गेहूं की थैली या फिर उस गनी बैग्स में निकाल सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। बाकी और भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।